माई लवली स्टूडेंट्स इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर सॉल्यूशन का पार्ट जो कि है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कि अगर हमें किसी सॉलिड सॉल्यूट को सॉल्यूबल करवाना है उसे मिक्स करना है किसी लिक्विड में तो वो कैसे होता है ठीक है और फैक्टर्स हम दूसरी वीडियो में देखेंगे तो फर्स्टली सॉलिबिलिटी क्या होती है सोलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट ठीक है उसका वो मैक्सिमम अमाउंट होता है दैट कैन बी डिज़ोल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर सोलिबिलिटी में वो आता है कि किसी की भी आप सॉलीबिलिटी अगर बोल रहे हो तो वो क्या होती है उस सब्सटेंस का मैक्सिमम अमाउंट ठीक है उस सब्सटेंस का मैक्सिमम अमाउंट जो कि डिजोल्व हो सकता है लिक्विड में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बीकर है एंड आपको जो ये ब्लू से नज़र आ रहा है ब्लू से आपके पास यहाँ पर क्या है दिस इज़ द सोल्यूट ठ ठ ठ ठीक है दिस इज दॉलवेंट ओके सॉलवेंट एंड जो ये पिंक से नज़र आ रहा है दिज आर दॉल्यूट ओके और आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि यहाँ पर जो सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या है सॉल्यूट यहाँ पर है सॉलिड ठीक है सॉलिड जो होगा और सॉल्वेंट क्या होता है सॉल्वेंट होता है जो कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो है यहाँ पर लिक्विड एंड जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो वो होता है आपका सॉल्यूट ना अब इसे मिक्स कर रहे हैं ठीक है थीके? अब वही कह रहे हैं सॉल्युबिलिटी क्या होगी कि कितना ये अमाउंट कितना मैक्सिमम अमाउंट इस सॉल्यूट का डिज़ोल्व हो सकता है इस गिवेन सॉल्वेंट में ओके तो जो हमारी सॉलीबिलिटी में बात होती है जो कि स्पेसिफिकली सॉलिड एंड लिक्विड है ठीक है तो उसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी है फ़र्स्ट इज़ द डिजोल्यूशन एंड सेकेंड इज़ द क्रिस्टलाइजेशन तो डिजोल्यूशन में आप क्या बात याद रखोगे सपोज़ कि यहाँ पर एन Cl ठीक है और यहाँ पर यह हुआ एन ए पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव में आयन बन गया ये पहले सॉलिड था अब यहाँ पे एक्वेस एंड एक्वेस आयन बन गए दैट मीन्स वो डिजोल्व हो गए डिजोल्यूशन इज नथिंग बट द डिजोल्यूशन क्या होती है व्हेन सॉलिड सॉल्यूट जैसे कि कोई सॉलिड सॉल्यूट क्या था एनए था वो डिजोल्व करेगा सॉल्वेंट में सॉल्वेंट मतलब किसमें वाटर में डिजोल्व कर रहा है तो सबसे पहले क्या होता है डिजोल्यूशन होती है डिजोल्यूशन नथिंग बट द डिजॉल डिजोल्विंग ठीक है डिजोल्व होना सॉल्यूट का तो यहाँ पे एन क्या हो जाएगा ये डिजोल्व हो जाएगा तो ये एन पॉजिटिव पॉजिटिव एंड जो सी एल नेगेटिव है वो सॉल्यूशन में डिस्पर्स हो जाएगी तभी मैंने यहाँ पर एक्विस एंड एक्विस लिख लिया क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन डिजोल्यूशन का बिल्कुल ही उल्टा होता है इसमें क्या होता है जो कि आपके आयंस बन चुके हैं वो रिकम्बाइन कोलाइड करते आपस में भिड़ जाएंगे और रिकम्बाइन करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव रिकम्बाइन कर जाएगा और आपके पास एन ए सी एल सॉलिड फिर से मिल जाएगा ठीक है ये दो प्रोसेस इसमें आपको देखने हैं ठीक है एंड क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स जैसे कि ये क्या थे आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स थे इन द सॉल्यूशन मैं यहाँ पर एकवेस्ट लिख लेती हूँ ठीक है वो क्या करेंगे वो कोलाइड करेंगे आपस में ठीक है आपस में कोलाइड करेंगे एंड वो दे गेट प्रेसिप मतलब वो कहीं नीचे रिएक्शन मिक्सचर में रह जाएंगे ठीक है क्योंकि इनके रिकॉम्बिनेशन हो रही है अब देखो यहाँ पर ये यह किस तरह से हो रहा है यहाँ पर आपका जैसे कि सॉल्यूट है ठीक है आपका यहाँ पर सॉल्यूट है उसकी रिएक्शन हो रही है आप सॉल्वेंट में डाल रहे हो सॉल्वेंट में डाल रहे हो जैसे कि आपने वाटर में डाला था तो यहाँ पर एरो मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम लिख लेती हूँ और ठीक है यहाँ पे आपका क्या बनेगा यहाँ पे आपका बनेगा सॉल्यूशन अब जो ये है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है उसे क्या कहते हैं डिजोल्यूशन डिजो ल्यूशन जो कि हमने ऊपर पढ़ा ठीक है अब अगर ये रिवर्सिबल चले जाए कि सॉल्यूशन से आपको सॉल्यूट मिलना स्टार्ट हो जाए जैसे कि आपका यहाँ था एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव क्या थे आपस में कोलाइड कर रहे थे आपस में रीमिक्स हो रहे थे और एन सी एल मिल रहा था आपको दिस इज़ नोन एज द क्रिस्टलाइजेशन ठीक है दिस इज द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अब इसमें क्या हो रहा है ध्यान से देखना कि सॉल्यूट पार्टिकल सपोज़ हमने कोई भी यहाँ पर कोई भी सॉलिड ले लिया ठीक है सॉलिड है हमारा सॉल्यूट यहाँ पे सॉल्यूट क्या होता है जो कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और दूसरा हमने यहाँ पर क्या ले लिया दूसरा हमने यहाँ पर ले लिया एक सॉल्वेंट सॉल्वेंट मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने वाटर ले लिया ठीक है अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में आपके पास आएगा सॉल्यूशन में आपके पास ये पार्टिकल जो थे यहाँ पे सॉलिड में ऐसे थे बिल्कुल कंबाइंड अब ये क्या हो जाएगा ये डिस्पर्श हो जाएंगे क्योंकि ये डिजोल्व हो चुके हैं इन द वॉटर वाटर में ये मिक्स हो चुके हैं ठीक है थीके? आगे बात यहाँ तक समझ ठीक है अब जैसे आप डिजोल्व करते जा रहे हो करते जा रहे हो सपोज़ फॉर एग्जांपल इस तरह से आप देख सकते हो कि जैसे चीनी है चीनी को अगर मान लो ये चीनी है चीनी को अगर हम इसमें घोलते जा रहे हैं तो आपका एक सॉल्यूशन मिलता जा रहा है बट कब तक आप चीनी को घोल सकते हो एक लिमिट तो है ना उसके घुलने की सपोज़ एक चम्मच डाला दो डाला तीन डाला दस डाल दिए एक पॉइंट ऐसा आएगा एक पॉइंट ऐसा आएगा जबकि वो चीनी घुलनी बंद हो जाएगी ठीक है और वो घुलेगी नहीं बल्कि यहाँ पर प्रेसिपिटेड नीचे रह जाएगी तो उस ज को बोलते हैं उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचूरेटेड सॉल्यूशन ठीक है solution, अभी तक ये सॉल्यूशन क्या है जब तक चीनी घुलती रहेगी ना तब तक वो सॉल्यूशन क्या होगा अनसेचूरेटेड जब तक आपकी उसकी कैपेसिटी है चीनी को घोलने की जब त, जब वो फर्दर चीनी को नहीं घोलेगा तो वो क्या बनेगा सेचूरेटेड सॉल्यूशन अब सेचूरेट सोल्यूशन क्या होता है वो सॉल्यूशन जिसमें कि एक पॉइंट से ज़्यादा अब आप सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते वो सॉल्यूशन जिसमें कि आप फर्दर और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते जैसे कि फर्दर और चीनी ऐड नहीं कर सकते आप ठीक है जैसे कि सेचूरेट सॉल्यूशन क्या हुआ अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ पर्टिकुलर और ये टू बी वेरी स्पेसिफिक एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पर बात करी हुई है ठीक है नो मोर क्या बोल रहे है नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है इसमें क्या होगा मैक्सिमम मैक्सिमम सॉल्यूट डिजोल्ड ठीक है सॉल्यूट डिजोल्व डिजोल्व ठीक है जितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है उतना सेचुरेटेड सॉल्यूशन में होता है ओके okay, अब देखो अगर इसको और फर्दर आपने समझना है तो इस तरह से समझो कि अगर ये वाला सॉल्यूशन है इसमें हम यहाँ से ऊपर से यहाँ से ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं शुगर डाल रहे हैं ओके यहाँ से शुगर डाल रहे हैं तो ये घुल रही है एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे जो हम शुगर डाल रहे हैं ठीक है थीके? जो हम यहाँ पे यह शुगर डाल रहे हैं वो फर्दर आपका क्या है वो डिज़ोल्व नहीं होगी वो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाएगी वो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाएगी तो वो क्या होगा दिस इज़ द ये वाला जो केस है दिस इज़ दैचुरेटेड सॉल्यूशन दिस इज़ द अनसेचूरेटेड सॉल्यूशन और एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि क्या हो रहा है पहले तो यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट पे डिज़ोल्व हो रहा है मतलब आगे की डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करिए डिजोल्यूशन हो रहा है जब एक स्टेज आती है जब आपका सैचूरेटेड सॉल्यूशन यहाँ बन जाता है तो क्या होता है आपका जो ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस थी वो भी आप उतनी ही तेजी से होने लगेगी जितनी तेजी से कि डिसोल्यूशन दैट मीन डिजोल्विंग ऑफ द सॉल्यूट हो रहा था ठीक है जितनी स्पीड से सॉल्यूट डिजॉल्व होगा सॉल्यूशन बनाएगा उतनी ही स्पीड से वो वो उसके आयन रिकम्बाइन होकर दोबारा सॉल्यूट दे देंगे ठीक है इसलिए क्या होता है एक डायनमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है और एक और इम्पॉर्टेंट इसमें एक चीज़ है कि सैचूरेटेड सोल्यूशन में एक बात आती है आपकी कि इन द दैचूरेटेड सोल्यूशन ठीक है इन सैचूरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है रेट ऑफ ठीक है रेट ऑफ डिजोल्यूशन 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 क्या हुआ नथिंग बट द डिजॉल्विंग ऑफ सोल्यूट इन अ सॉलवेंट ठीक है रेट ऑफ डिजोल्यूशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ ठीक है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाई क्रिस्टलाइजेशन ओके रेट क्या होता है रेट इज नथिंग बट द स्पीड रेट क्या होगा आप ऐसे देख लो रेट इज नथिंग बट द स्पीड अब क्या बोला जा रहा है सैचूरेट सॉल्यूशन में वही हुआ ना कि स्पीड ऑफ़ द डिसोल्यूशन जितनी स्पीड से ये आगे की तरफ uh, हो के सॉल्यूशन बना रहा है उतनी ही स्पीड से वो सॉल्यूशन फ़र्दर क्या हो रहा है उसमें जो है वो फ़र्दर क्या है वो दोबारा से सॉल्यूट आपको दे रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि सैचूरेट सॉल्यूशन में आपको पता है कि नो फर्दर सॉल्यूट कैन बी एडेड जैसे ही आपने ये मान लो ये स्टेज आ चुकी है ठीक है उसके बाद भी आपने सॉल्यूट को डिज़ोल्व करना चाहा ठीक है फर्दर आप कोई हीटिंग वगैरह नहीं दे रहे हो नॉर्मल कंडीशन है ठीक है फिर उसके बाद भी आपने सॉल्यूट डालने की कोशिश कर रहे हो उसे डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो वो नहीं होगा क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो डिजोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का जो रेट था जो स्पीड है वो बिल्कुल ही इक्वल है जिस स्पीड से ये डिज़ोल्व होगा उसी स्पीड से दोबारा ये बन जाएगा इसलिए ये था रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये था सैचुरेटेड सॉल्यूशन का अब ये एक और चीज यहाँ पर है कि यहाँ का जो यूनिट्स है सॉल्युबिलिटी के जो यूनिट्स है वो क्या होते हैं देखो सॉल्युबिलिटी के यूनिट्स ये हो सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट है ना तो ये अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कैसे लिख सकते हो ग्राम पर लीटर भी लिख सकते हो कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्वेंट ठीक है इस तरह से कर सकते हो पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन करना है तो क्या आ जाएगा मोल पर लीटर भी आ सकता है ठीक है और ये मोलर सॉल्युबिलिटी भी होता है तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है इसके यूनिट्स थैंक यू सो मच नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन द लिक्विड थैंक यू सो मच